अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आप सचमुच के सुख करता दुख हरता। आज से पहले आपकी आरती में जब भी ये शब्द आते थे मैं बस हमेशा गा दिया करता था, दुख हरता सुख करता वार्ता विघ्नाची। लेकिन आज सचमुच मैं समझ पाया हूँ इन शब्द का मतलब। आज समझ में आ रहा है कि ये सारे शब्द आपकी आरती में आते क्यों। आप सच में बेस्ट हो गणपति पापा। आज आप यहाँ पे आए, आपने आते ही मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुख दे दिया और मेरे सारे दुख हर लिए। सच में आप बेस्ट हो। आई नो मैं थोड़ा दादी की तरह बात कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ, आई नो। लेकिन आपसे सबसे पहली बार मुझे मेरी दादी ने ही मिलवाया था, इसलिए अब मैं आपसे उनकी शब्द में ही बात करूँगा, उनकी भाषा में ही बात करूँगा। थैंक यू। एंड अच्छा हुआ गणपति पापा मैंने उनकी सारी बातें सुन ली, सब कुछ सुन लिया। एंड थैंक्स टू यू कि आपने मुझे वहाँ पे खड़ा रखा और मैं उनकी बातें सुन पाया। वरना मैंने तो सारी कोशिशें कर ली, हमेशा हार ही हूँ, जमीन आसमान एक कर लिया उसे मनाने में, लेकिन वो कभी भी मेरी बात मानती नहीं है, उल्टा मुझे ही गलत ठहरा देती है, हमेशा मुझे ही समझा देती है। सो थैंक यू, ऑल द क्रेडिट गोज टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू गणपति पापा मोरिया। ये कैसे गिर गया? कोई देख लेगा तो टेंशन हो जाएगी, इसे पहले हटा देता हूँ। कोई भी देख लेगा बोलेगा अपशगुन हो गया या कुछ अपशगुन होने जा रहे हैं। नहीं नहीं यहाँ पे कुछ भी अशुभ नहीं है। इसका तो हुक टूट गया। कोई बात नहीं पापा, मैं अभी आया। बड़ा अच्छा लगा कि तू आई। अच्छा तू बैठ, मैं कुछ खाने पीने को भिजवाती हूँ। पता नहीं क्यों पर कुछ सही नहीं लग रहा। मन अचानक बेचैन सा हो रहा है, जैसे कुछ लक्ष्मी लक्ष्मी देखी क्या तुमने? तेरे से पूछ रहा लक्ष्मी देखी। मैं रुक तो जा, देखने तो दे। आगे देखिए। मुझे लगता है हम दोनों ही कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। हमें लड़ने की जगह यहाँ से बाहर निकलने पे ध्यान देना चाहिए। अरे हाँ हाँ हाँ, तुझे भी गणेश चतुर्थी की लाज 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 वाली बधाई हो। बस मैं तो ना यही प्रयंग करती हूँ कि इस बार ना बप्पा की कृपा मुझ पर लाज 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 बरसती रहे बस। हेलो सुनिए प्लीज, आप दरवाजा खोल देंगी? एक छोटी सी बच्ची ने मुझे गलती से अंदर बंद कर दिया। एक मिनट में करती हूँ। हाँ हाँ खोलती हूँ, एक मिनट जी। थैंक यू। प्लीज कितना फास्ट भागती है तू, बता की रहोगी? शालू 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 प्लीज शालू मेरी बात सुन। क्यों रुक के मैं जा रहा क्या? भाई लक्ष्मी बापी पत्तियों का हाथ में रहा, अगर कहाँ थी कहाँ देखी? गोली की तरफ गई अंदर को। आ जा। वाह मेरे मिट्टी के शेर, कमाल होगी तूने ढूंढ ली तेरी बात भी।
ठीक, आप चलेंगे तेरी भाभी के पास। तेरी भाभी के पास जा, तेरी भाभी को पिलाएंगे ये पानी। अब अभी पिलाएगा? और कब पिलाएगा? वो भाई वो अभी मत पिला, आपके सामने पिलाएगा क्या? तू जूस पागल है क्या? तेरा दिमाग खराब है क्या? बल्लू के साथ है तो बलविंदर सूद के साथ, अगर ऐसी फट रही ना दिक्कत हो रही, निकल भाई। दिक्कत हो रही तभी तो कह रहा, भुगतना तो मुझे ही है। मुझे अरेस्ट करवा होगा क्या साथ? पहले जब मैं कुछ करता था तब तो तुझे पूछता था कि बल्लू भाई क्या हो गया, अब क्या हो गया, हर चीज में दिक्कत है तुझे। भाई देख मैं पता क्या कह रहा, देख तुझे तो कोर्ट कचहरी की आदत है, 500 बार तो तू चला गया। देख भाई मेरे बस की बात नहीं पहली कह रहा मैं, और मुझे अरेस्ट ही नहीं होना ना, पहली बात अरेस्ट ही नहीं होना मुझे, ठीक है? और भाई तू सुन देख, अरेस्ट हुआ ना मैं तो मैं पागलखाने जाने का, इससे अच्छा तो मुझे जेल भेज दो। तो जेल चला जाइयो, दिक्कत क्या है? और जेल में भी तो दिक्कत है, बड़े बड़े गैंगस्टर घूम रहे हैं, चाकू लेके घूम रहे हैं इतना बड़ा बड़ा, तो और हम क्या, हम तो चुटर मुटर गुंडे हैं, हमें क्या पता है? जेल में तू होगा चुटर मुटर गुंडू, मैं नहीं हूँ गुंडा छोटा मोटा, बल्लू बदमाश हूँ मैं, सारी इस मुंबई की पुलिस ढूंढ रही मुझे, ये देख ले इसके ऋषि ओबरॉय के पिछले कितने सालों से नाक में दम कर रखा, पकड़ पाया मुझे। मेरी बात को समझ, हमें कुछ नहीं करना, बहुत बहुत ही आसान सा है, ट्रे लेके जानी है, ऐसे कहना मैडम जी जूस पी लो, जूस नहीं पीनी मैडम जी पानी पी लो, वो नहीं कुछ तो पिएगी, दवाई मिला रखी है दोनों में, पिएगी चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ऐसे गिरने हो जाएगी, हम पहुंच जाएंगे, मैडम जी हम आपकी हेल्प कर दें, आप ठीक नहीं लग रही आपकी तबीयत, कमरे तक छोड़ने को कहेगी, कमरे तक जाएंगे, बाई चांस किसी ने देख लिया तो बोल देंगे कि हम तो इसे कमरे तक छोड़ने जा रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, नहीं देखा तो जैसे ही भाभी तेरी बेहोश होने लगेगी या बेहोश हो जाएगी उसे किडनैप करके ले जाएंगे, और तू मेरे पीछे पीछे बात खत्म, इतना ही करना बस। जैसा सुना रहा ना तू, इतना आसान नहीं है, टेंशन बहुत है इस काम में, तो तू भीड़ में भाई कुछ मत कर, लक्ष्मी बब्बी के साथ पता क्या कर, रूम में जाएगी या किचन में जाएगी, तुझे जो डाल कर पिलाना पिला दे, जैसी बेहोश होगी किडनैप लेगा, कहेगी ना गुड्डू देवर जी एक काम करो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं किचन में जा रही, मुझे किडनैप कर, मुझे किडनैप करके ले जाओ, और बलविंदर सूद को भी साथ लेके, पागल है क्या? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं जीजू को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन सिर्फ 15 मिनट तक, सिर्फ 15 मिनट है तेरे पास जाके जीजू को बोलने के लिए कि तू क्या फील करती है उनके बारे में, क्या है तेरे दिल में, और दी अगर तूने अगले 15 मिनट में उनको कुछ भी नहीं बोला ना तो तू मौकेगी नजाकत को समझ, जितना यहाँ तू टाइम खराब कर रहा ना ये सब बकवास करके सारी की सारी, उतनी देर हो रही किडनैपिंग उतनी फ्लॉप हो रही, कुछ नहीं कर रही, उसके बाद फरार होना है बस इतना ही करना। तो भाई जब सुनना ही नहीं कर ले जो करना, हाँ तो 10 बार आ लिए, 10 बार कुटवाया ला, 18 बार चिता, बता कब नहीं चिता, तेरे चक्कर में बंद करूंगा तुझे। चल बना बंद कर भाई, चल अब कहाँ गई वो? उधर को गई है। तो मैं उनको सब कुछ जाके बोल दूंगी, मैं सच में ऐसा करूंगी, फिर देखना तुझे कैसा लगेगा, बहुत शर्म आएगी ना तुझे, है ना? उससे अच्छा ठीक है मैं बोल दूंगी, इसे कुछ नहीं होगा, प्रॉमिस, मुझे तेरा सीमेंट प्रॉमिस, प्रॉमिस कर, सीमेंट प्रॉमिस, बोल दूंगी। वेरी गुड, यहाँ क्या खड़ी है, जाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रही है, जाओ। जा रही हूँ। पर खड़ी हो गई, पर ऋषि है कहाँ? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।